अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SPL के 2024 एडिशन से नेशनल स्टेडियम कराची से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले मुबारक हो कि कराची गाज़ीज़ की जो टीम है आज कामयाबी से हमकनार हुई है और दो मैचेस जीत चुकी है। ऑल दो के दो मैचेस वो पहले हार चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो मैचेस जीतने के बाद उसकी पोजीशन टेबल पे बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो इस सिलसिले में आज हम जिससे बात करने वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे मायानाज यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 2020 में अपना डेब्यू पाकिस्तान के लिए किया और माशाल्लाह से पहले ही मैच में डेब्यू में 50 स्कोर किया। इसके अलावा डर्बीशायर से काउंटी खेल चुके हैं, मुसलसल चार एडिशंस PSL के साथ खेलते हुए आज इस दफ़ा पाँचवें में भी वो उनकी इंक्लूजन होगी इंशाल्लाह। और अब SPL 2024 का हिस्सा है कराची किंग्स के साथ। तो कोई और नहीं बिल्कुल हैदर अली से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हैदर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या कहेंगे आज फतह मिली कराची गाजी को दो मैचेस हारने के बाद, तो क्या समझते हैं, क्या फीलिंग? काफ़ी अच्छा, हमारी अभी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले दो मैच हम हार गए थे तो उसकी वजह से, लेकिन हमारे ये था कि हमारे कोचेस को, मैनेजमेंट को, हमारे जितने भी प्लेयर थे उनको इतना बिलीव था कि इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, और काफ़ी अच्छा कम बैक किया। दो लगातार मैचेस हम जीते हैं और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स जो उनके आने से भी काफ़ी फर्क पड़ा है, तो इंशाल्लाह आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको कि माशाल्लाह से दो मैचेस हार गए थे फिर आज हमने मैच को क्या गया? ये वाला दूसरे वाला इसको पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। तो सर कैसे हैदर भाई बताएंगे ज़रा, आज दो मैचेस हारने के बाद जब टीम अब स्ट्रॉन्ग टेबल पे आई है तो आगे क्या लग रहा है? अब एक मैच रह गया है तो क्या पोजीशन बनती है कराची किंग्स की, कराची गाजीज़ की? इंशाल्लाह ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल परसों हमारा मैच है तो उसको जितनी कोशिश करेंगे और अपने पॉइंट टेबल पे टॉप फर्स्ट फोर जो क्वालिफाई करेंगे उसमें इंशाल्लाह आ जाएंगे और आगे हम सेमीफाइनल और फाइनल को आगे कंसंट्रेट करेंगे। अगला जो मैच है वो एक कोई आसान टीम है या एक एवरेज टीम है जिसको आप कहेंगे, क्योंकि ऑल्डो हमने चार मैचेस जो जीते हैं उसमें दो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स थी और दो थोड़ी सी मिली है, लेकिन दो हमने मैचेस जो जीते हैं वो बड़े हमने आप कहेंगे कि आसानी से हमने बड़े स्ट्रॉन्ग अपना ग्रिप शो किया, उस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए, टीमें कोई भी कमज़ोर और अच्छी नहीं होती, सारी टीमें एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके दिन पे फर्क होता है कि जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो विन करेगी। पिछले दो कंजर्वेटिव हम गेम अच्छे खेले हैं और हमने विन किया है, तो किसी टीम का जो प्लेयर अच्छा खेलेगा, जो टीम अच्छी खेलेगी तो वो मैच विन करेगी। इसके लिए कोई भी नहीं है कोई टीम अच्छी है या बुरी है। SPL 2024 का पहला एडिशन हो रहा है, ये क्या समझते हैं कि ये आपको कितना हेल्पफुल साबित होगा आपके आने वाले टूर्स में, या PSL आ रही है आगे, तो क्या कहेंगे कि इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि आपकी गेम इंप्रूव होगी और आप आगे मज़ीद अपनी जो स्किल्स हैं उसको बेहतर कर सकेंगे? जी, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इससे आती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लाइव मैचेस चल रहे होते हैं और यहाँ पे पूरा आगे भी PSL भी आ रही है, तो काफ़ी अच्छा, और काफ़ी जो यंग प्लेयर्स हैं उनके साथ और काफ़ी वो हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, हमें उनसे अभी कुछ सीखने को मिल रहा है, वो हमसे कुछ सीख रहे हैं, और काफ़ी कोचेज और जो सीनियर प्लेयर हैं अब हम उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस ये काफ़ी हेल्पफुल है, मेरे लिए हेल्पफुल है, जो यंगस्टर हैं उनके लिए हेल्पफुल है कि वो अपने टैलेंट शो करें और इंशाल्लाह आगे अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करें। ड्रेसिंग रूम का माहौल आज तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया होगा, क्योंकि पहले बड़ी परेशानी थी, इफ्तिखार ने भी ज्वाइन किया, नाफे भी फॉर्म में आ गए, तो क्या कहेंगे आज जाके कोई हल्ला गुल्ला करेंगे या थोड़ा रिलैक्स करेंगे जब तक फाइनल ही जीत जाते? नहीं, देखें आपने पहले कहा है कि परेशानी बहुत अवश्य होती है, लेकिन हमारी टीम का माहौल और हमारी मैनेजमेंट और कोचेज ने हमें इतना सपोर्ट किया, उन्होंने कहा है कि हार जीत लगी रहती है, एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है, और पहले दो मैचों में हमारी वो सिचुएशन थी, अभी दो मैच जीत के और लाजमी बात है वो यंगस्टर जो है उनको खुशी होती है, सारों को होती है, तो वो अब जाके एंजॉय करेंगे। अच्छा इधर क्या आपने फील किया कि जो दो मैचेस में नहीं कर सके और दो मैचेस के बाद ऐसा क्या गेम प्लान चेंज हुआ है, या क्या ऐसी कुछ आपने स्टैटिस्टिक्स में चेंज लाई है, क्या लगता है आपको जिसकी वजह से आज हमारी टीम जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गई है? नहीं, सारे अपने जो उनके पोटेंशियल है अपने 100% कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर बिलीव है, पीछे कोचेज मैनेजमेंट हर सारे सपोर्ट उनको कर रहे हैं, तो वो उनको इतनी सपोर्ट मिल रही है, और अपने सीनियर प्लेयर इफ्ती भाई के आने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, वो सीनियर प्लेयर हैं और हमारा मिडिल ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इंशाल्लाह आगे अब जो नेक्स्ट आने वाले मैचेस उनको कंटिन्यू करेंगे। आपके पर्सनल करियर के बारे में बात करें तो काफ़ी गैप आ गया इंटर पाकिस्तान क्रिकेट से खेले हुए, क्या समझते हैं कि वो क्या लैग कर रहे हैं, कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इस टूर्नामेंट के बाद आपको लगता है या PSL खेलने के बाद आपका इंशाल्लाह कमबैक हम कब देखने को व्यूवर्स, क्योंकि बड़े इंतज़ार करते हैं, आपके बड़े फैंस हैं, चाहने वाले हैं सिटी में भी और वर्ल्ड वाइड,
तो वो आपको बड़ा मिस करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, कब इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं आप? इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ये SPL मेरे लिए फ़ायदेमंद है और आगे PSL हो रही है, जो जिधर भी मुझे क्रिकेट मिलेगी मैं खेलूंगा इंशाल्लाह, अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा, बाकी आगे जो नसीब में होगा। मुश्ताक भाई हमारे कोच, आपके हेड कोच हैं, बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं एज ए कोच, एज ए मेंटोर, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल मुशी भाई, हमेशा जो भी यंगस्टर प्लेयर होंगे मेरे साथ भी, मैंने जब वो कोच थे ना वहाँ पे इंग्लैंड में भी, मैंने उनके अंडर डेब्यू किया था, तो काफ़ी मैं उनके साथ 2-3 बार उनके अंडर में खेल चुका हूँ और काफ़ी हेल्पफुल, बहुत हेल्प करते हैं एक प्लेयर को, यंगस्टर को, और काफ़ी सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पूरी 100% पोटेंशियल पर खेल सकता है। चलें बहुत शुक्रिया, अब आपने क्योंकि जाके रिलैक्स भी करना है और अगले मैच की तैयारी भी करनी है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। थैंक यू सर। और उम्मीद करते हैं कि कराची गाजी जो है आगे आने वाले मैचेस में मज़ीद कामयाबी हासिल करें और आप उसमें अहम किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हैदर, इंशाल्लाह।